दिमाग की नस दबना, जैसा कि ज़्यादातर पेशेंट्स लोगों का ये कंप्लेन रहता है, और एक बहुत ही कॉमन आम टर्म है ये जो सब लोगों के तरफ, बट इसके कई एक कारण हो सकते हैं। और उसमें जो एक सबसे और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है स्ट्रोक, जिसे कि आप लोग पैरालिसिस बोलते हैं, लकवा भी बोलते हैं, वो एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ब्रेन में छोटे मोटे कहीं से भी रक्त का रिसाव हो, जिसे कि हम ब्रेन हैमरेज बोल सकते हैं, और वो कई एक जगहों पे होता है, तो वो एक कारण होता है जिसकी वजह से ये हो। और तीसरा ये भी हो सकता है कि ब्रेन में छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन में अगर कॉमन तरीके से बोलें तो ब्रेन इन्फेक्शन में, जैसे कि कीड़े का इन्फेक्शन, उसमें एक टीबी हो गया, और दूसरा एक बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, उसकी वजह से भी ब्रेन में दबाव आता है। और इसके बाद एक और बोलें तो कहने का मतलब, अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर छोटा मोटा हो जो काफ़ी सालों से पड़ा हुआ हो, और जैसे जैसे उसकी साइज़ बढ़ती है तो वो एक मतलब दबाव डाल सकता है, और इसके अलग अलग सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कोई भी पेशेंट जब इस तरह से कंप्लेन लेके आता है हमारे पास, उसके कई एक तरह से आते हैं। जैसे कई लोग आते हैं कि भाई हमें सर में दर्द है और बहुत दिनों से ये दर्द हो रहा है, हमने बहुत कुछ कराया, हमारा लोकल लेवल पे ठीक नहीं हो पा रहा है, ये हो सकता है। या बहुत से आते हैं हेडेक के साथ साथ ये आते हैं कि भाई हमारा ये हाथ नहीं उठ रहा, या चेहरे पे हमारे एक साइड मुड़ गया हो, तो इस तरह के कंप्लेन लेके आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमें उन्हें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना है। कहने का एक तात्पर्य यह है कि अगर कुछ इस तरह से आपको लगे तो आप इमीडिएट एक अच्छे हॉस्पिटल में, एक अच्छी जगह पे जाके पूरी अच्छी तरह से जांच कराएं और तब इसका आगे का इलाज शुरू करें। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि क्या ये मुमकिन है कि सर पर लगी किसी चोट के कारण भी नस दब सकती है? ऐसा भी होता है कि काफ़ी साल पहले आपका या तो कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, या सर पे कोई भारी आघात हुआ हो, या आप कभी गिर गए हों उसमें आपको चोट लगी हो, ये सालों पहले और जो बाद में ये इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको शरीर के किसी अंग में कमजोरी आना, सर में अचानक से दर्द शुरू हो जाना, मिर्गी का शुरू हो जाना, तो इन ये भी एक लक्षण हो सकते हैं जो पुरानी चोटों की वजह से। जी डॉक्टर साहब, अगर इस नस के दबने को सही समय पर रिकॉग्नाइज ना किया जाए तो फिर वो कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है? साथ ही मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि कैसे पहचान सकते हैं कि ऐसी कोई समस्या उनके साथ है। जैसे सबसे पहले देखा जाता है, बहुत से जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं जिनमें बहुत ही कॉमन है कि उनका चेहरा एक साइड चला जाता है, आवाज़ लड़खड़ा जाती है, हाथ पैर में कमजोरी आती है, जो कि सबसे पहले, और ये आम हद तक गांव के लोगों भी इसकी पहचान कर लेते हैं और वो एक मोटा मोटी उनके दिमाग में बात आ जाती है कि यह स्ट्रोक हुआ है। दूसरा है कि अगर छोटा मोटा आपके ब्रेन के अंदर कोई हैमरेज है तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि आपको बहुत तेज सर दर्द होता है, सर दर्द के साथ आपको चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द के साथ आपको मिर्गी आ सकता है, तो वो भी एक हो सकता है। तीसरा ये होता है कि जैसे अगर इन्फेक्शन है और आपको नींद से आपकी अचानक नींद खुलती है और बहुत तेज सर दर्द होता है, सर दर्द होता है और फिर आपको पास एक वोमिटिंग होता है और वोमिटिंग के बाद आपको सर दर्द में थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो कुछ एजेज में ये देखा जाता है कि ये ब्रेन ट्यूमर की तरह भी ये सिम्टम प्रेजेंट करता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना है, और अगर ब्रेन में कोई छोटा मोटा हैमरेज होता है जिसकी वजह से भी ऐसा होता है तो, लेकिन इसका पूरी तरह से जानकारी हमें ब्रेन का सीटी या एमआरआई करने के बाद ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाती हैं और तब हम आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि इसका इलाज जो है, जैसा कि आपने बताया कि जब कंफर्म हो जाएगा कि दिमाग की कोई नस दब चुकी है, तो फिर आगे इलाज किस तरीके से किया जाता है? क्या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या फिर छोटे मोटे प्रिकॉशन से ये चीज़ ठीक हो सकती है? नस का दब जाना एक बहुत आम टर्म है जो नॉर्मली पेशेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है। अगर आप मेडिकल टर्म्स में सोचें, डॉक्टरों की भाषा में देखें, तो हमें ये देखना होता है कि ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज है उसमें कहीं क्लॉट तो नहीं है, एक तो वो है। दूसरा यह है कि कोई हैमरेज तो नहीं है। अगर हैमरेज है और अगर हैमरेज बड़ा है तो उसके लिए तो हमें फिर से इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर छोटे मोटे हैमरेज हो, छोटा मोटा स्ट्रोक हो, तो उसको हम जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दवाइयों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। जी।